हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह नहीं मतलब 9:30 का टाइम हो रहा था और आज मेरा काम जो है थोड़ा लेट ही ख़त्म हुआ है। तो अभी मैं सुबह का जो भी काम होता है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं बनाकर पी रही हूँ अपने लिए चाय। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे जाना है मार्केट और फिर मार्केट में मुझे थोड़ा सा काम है। तो अभी मैं अपने लिए चाय बिस्किट निकाल लेती हूँ नाश्ते में, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मार्केट से आ गई थी घर और कितनी कड़क धूप हो गई है। तो सुबह मैंने कपड़े सूखने के लिए दिए थे ना, वो सूख गए हैं और अभी ना दोपहर के अभी 11 ही बजे होंगे और 9 बजे मैंने कपड़े सूखने के लिए दिए थे तो वो सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए हैं। सिर्फ हस्बैंड जी का जीन्स जो है वो ही नहीं सूखा था। तो वो जितने भी कपड़े सूखे हैं ना, मैं सब ले जा दूँगी घर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा देर तक धूप में कपड़े रहने से ना फिर वे ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसको मैं ले जाती हूँ घर और वहाँ पे फिर मैं जो है खाना वगैरह बनाऊँगी। मतलब खाना क्या, दाल चावल तो मैंने चढ़ा दिया था। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को रख के और मैं चावल चेक करने आई थी तो चावल पक चुका है। अब इसका जो माड़ है उसको मैं अलग कर लेती हूँ चावल से और उसके बाद जो है बाकी का जो भी मुझे सब्ज़ी वगैरह जो बनाना है मैं दिखाती हूँ अभी आपको क्या बनाऊँगी आज। मैं बहुत ही सिंपल सा खाना मैं बना रही हूँ आज। तो सबसे पहले जो है वो माड़ में निकाल लेती हूँ और इतनी बड़ी डेगची में चावल मैं इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मेरा जो एक छोटा वाला पतीला है ना जिसमें मैं चावल बनाती थी तो वो ना मेरा फूट गया है, पता नहीं कैसे नीचे से पानी लीक होता है। तो अभी आज तो मैं मार्केट गई थी लेकिन किसी दूसरे काम से गई थी, दोबारा जब मैं मार्केट जाऊँगी तो एक चावल बनाने के लिए छोटा सा मैं पतीला लूँगी, क्योंकि इतने बड़े डेगची में ना मुझसे होता नहीं है। मतलब होता क्या, बहुत हम मेरे हस्बैंड और मैं और मेरे दोनों बच्चे तो बहुत कम चावल बनाना पड़ता है और ये हंडिया ना बहुत ज़्यादा, ये वाला डेगची बड़ी है तो मुझे छोटा लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं दाल में जो है अभी छौंक लगाऊंगी, दाल भी बन गया था और आजकल का मौसम ऐसा हो गया है ना कि थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाए ना तो हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाना वगैरह बनाने का। तो बहुत सिंपल से आज मैं बना रही हूँ अपना लंच। तो उधर मैंने दाल छौंक दिया है और इधर मैं जो है चोखा बनाऊंगी आलू का। तो आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो यही होगा हमारा आज का लंच। तो अभी जो है जो मैंने आलू अभी छौंका ना, तो सूखे मिर्च से मैंने इसको छौंका है और सूखा मिर्च डाल के जब हम चोखा बनाते हैं ना तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है। और मेरे घर में सबको दाल भात चोखा पसंद है और सभी लोग बड़े चाव से खा भी लेते हैं। और आजकल का जैसे मौसम है ना, बिल्कुल धूप, और इस मौसम में ना अगर हम ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो वो पचता भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा ये खाना है, जल्दी पचने वाला और ज़्यादा इसमें तेल मसाले भी नहीं यूज होते हैं तो बहुत जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो चोखा जो है वो बनकर रेडी हो गया है, अब इसको मैं लगा दूंगी साइड और किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना मैंने अपने मंदिर में एक छोटा सा, यहाँ पर मेरा मंदिर है उसमें ये हार मैंने लगाया था, ये मेरी सासू माँ ने मेरे लिए केदारनाथ से शायद लाए थे वहीं से। तो इसको मैंने यहाँ लगाया था मंदिर में, तो रात में ना चूहा इसको काट गया है और ये टूट गया है। तो अब जो है इसको मुझे ना सेलो टेप से चिपका देना है। तो यहाँ पर देखिए पलंग पे इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना, इसको मुझे फोल्ड भी करना है और आधे कपड़े पिछले दिन के हैं तो वो भी मैंने नहीं रखा था, वो ऐसे ही कुर्सी पर मैंने रख दिया था, शायद मैं भूल गई थी। तो आज जो है सारे कपड़ों को मुझे फोल्ड करके तय लगा कर रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो माला है ना मंदिर का, इसको मैं यहाँ चिपका देती हूँ और कील नहीं लगाई थी मैं, सेलो टेप से चिपकाई थी लेकिन रात में चूहे ने काट दिया है तो ये गिर गया था एक साइड से, तो फिर एक साइड का मैं चिपका दूँगी। और इसके बाद ना मेरा मंदिर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है
तो इसको मैं यहाँ पर 3 बार सेलो टेप से चिपका दूँगी। पिछली बार मैंने 1 बार ही चिपकाया था, इस बार मैंने 3 सेलो टेप दे दिए हैं और उसके बाद ये हो गया है। और अब मैं यहाँ सारे कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े टेबल पर रखे हुए थे ना, तो घर बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था मुझे ये वाला रूम। तो रूम हो, घर हो या किचन हो, कुछ भी हो, जब तक सारी चीज़ें अपनी जगह पर हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर उधर फैला रहे ना, फिर हमारा ही काम बढ़ जाता है, फिर हमें ही उस काम को करने में डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा होगा कि हम जो है टाइम टाइम पर जो भी काम है वो कर लें। तो बड़े कपड़े, जो जितने भी बड़े कपड़े हैं ना, उसको मैं आलना होता है ना लकड़ी का, उसमें टांगूंगी मैं। और जो भी छोटे कपड़े हैं, जैसे बच्चे मेरे अभी छोटे हैं तो उनके कपड़े भी छोटे हैं, तो अगर मैं आलना पर टांगती हूँ ना, तो वे जैसे भी मैं दूसरे कपड़े निकालती हूँ या बच्चे ही कुछ दूसरे कपड़े निकालते हैं, तो वो छोटे कपड़े ना गिरने लगते हैं बार बार। तो जितने भी छोटे कपड़े हैं वो मैं डलिया में रखूँगी और बड़े कपड़े जो है वो आलना में टांग दूँगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चे आ गए थे स्कूल से, और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मुझे देना है लंच और इन लोगों को नहलाना भी है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।